सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक पोएम जिसका नाम है इनोक आर्डन, रिटन बाई एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन। इनोक आर्डन एक नैरेटिव पोएम है जो 1864 में पब्लिश हुई। इस पोएम की स्टोरी बेस है एक ऐसी स्टोरी पर जिसे थॉमस वॉलनर ने टेनिसन को सुनाई थी। सो शुरू करते हैं आज की पोएम की समरी। तो क्या होता है, जो हीरो होता है वो एक किसान है, लेकिन एक व्यापारी बन जाता है किसी तरह। और जब ये किसान था तो काफ़ी गरीब था, इसकी बीवी थी, बच्चे थे और अपने इस परिवार को उसे पालना पड़ता था। इसका नाम इनोक आर्डन है, यानी कि जो टाइटल है पोएम का वही इसका नाम है, इनोक आर्डन। तो एक बार क्या होता है, व्यापार करने के लिए वो अपनी पत्नी एनी, जिसका नाम है, यानी कि इसकी पत्नी का नाम एनी है, और अपने 3 बच्चों को घर पर छोड़कर समुद्र के रास्ते चला जाता है व्यापार करने के लिए। और ये जिसके साथ जाता है वो इसका पुराना फ्रेंड होता है, जो एक कैप्टन होता है, वही इसको यानी कि इनोक को अपने साथ आने का ऑफर देता है और उस ऑफर को वो मान लेता है और उसके साथ में चला जाता है। और इनोक ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि अपने परिवार की वो अच्छे से परवरिश कर सके, उनके लिए बेहतर पिता बन सके, बेहतर हस्बैंड बन सके। लेकिन जब वो अपनी इस यात्रा पर निकल जाता है तो काफ़ी दिन बाद जब उसका जहाज समुद्र में काफ़ी दूर निकल जाता है तो कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है, कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि उसका जहाज डूब जाता है। लेकिन इनोक अपने आप को बचा लेता है, उसके साथ में 2 और उसके साथी होते हैं, वो भी बच जाते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं, इनोक बच जाता है, लेकिन वो साथी उसके वो वहीं मर जाते हैं। मतलब जब इनोक का जहाज डूबता है तो वो किसी एक गुमनाम आइलैंड पर आ जाता है और अपने आप को वहाँ बचा लेता है। यहाँ पर ये स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी से मिलती है, लेकिन इनोक वहाँ पर खो जाता है, उस आइलैंड पर खो जाता है, यानी कि वो गुमनाम आइलैंड होता है, उसके पास कोई नहीं आता। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं, वो 10 साल तक अपने घर वापस नहीं लौटता। लेकिन किसी तरह जब वो 10 साल बाद अपने घर लौटता है तब वो देखता है कि उसकी पत्नी जो थी, जो उससे बहुत प्रेम करती थी, उसने एक और शादी कर ली है और इनोक को मरा समझ लिया जाता है। मींस होता क्या है, जब 10 साल तक इनोक घर वापस नहीं आता तो उसकी पत्नी इनोक को मरा समझ लेती है और इनोक के ही एक फ्रेंड से शादी कर लेती है। और ये जो फ्रेंड है इनोक का, जिसने शादी की है एन से, वो पहले से ही एन को चाहता है, यानी कि उससे शादी करना चाहता है। तो जब इनोक 10 साल तक वापस नहीं आता तो मौका पाकर उससे शादी कर लेता है। और वहाँ पर इनोक देखता है कि वे दोनों, यानी कि उसकी पत्नी, खुश है अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ में खुश है। इनोक की पत्नी एन जिससे शादी करती है, यानी कि जिस इनोक के फ्रेंड से शादी करती है, उसका नाम फिलिप होता है और फिलिप का एक बेटा भी है। इनोक इस चीज़ को देखता है, वो अपनी पत्नी के लिए तो खुश है लेकिन अपने लिए उसे काफ़ी दुख होता है। और इसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि उसके बच्चों में से एक बच्चा मर भी गया है। इनोक फैसला करता है कि वो अपनी सच्चाई कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताएगा और वो कभी भी अपने पत्नी और बच्चों से अपने बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो समझता है कि वो उससे इतना प्रेम करता है कि वो उसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, या फिर कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी की नई खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहता। और इसी बीच वो ब्रोकन हार्ट, यानी कि उसका दिल टूट जाता है और वो मर जाता है। सो फ्रेंड्स, इस पोएम में इतना ही है। और ये पोएम एक ट्रेजेडी है और ये पोएम काफ़ी लंबी है, जिसकी ये शॉर्ट समरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।